हंसी लबों पर आँखों में नमी, हंसी लबों पर क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो। क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। मर जाएंगे अश्क पीत भी ये, मर जाएंगे जहर पीत पीते ये अश्क जो पीते जा रहे हो। ये अश्क जो पीते जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। इन्होंने शौक़ किया और उसको अपने मेराज पहुंचाया, और माशाल्लाह इनके घर पे आके शाइस्ता लोधी, मैं खाली जियो का प्रोग्राम था, एयर वाइफ शाइस्ता लोधी होती थी, तो यहाँ आके वो लाइव भी जा चुकी हैं इनको लेके, तो सारी चीज़ें बाकी शिजाज साहब बताएंगे इस बच्चे के मुताबिक, और बच्चे की परफॉर्मेंस भी देखिएगा इनके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पे। जी शिजाज साहब बताएं ज़रा साहब। दरअसल भाई इनको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ थी, पैदाइशी दिल का मर्ज, तो जब हमें मालूम हुआ, और ये बहुत ही अंडरवेट और बहुत ही कमज़ोर था, खैर जब डायग्नोस हुआ तो पता चला कि नहीं ये है, और इसका इलाज सिर्फ बाहर ही हो सकता है, सर्जरी होगी और जो कि पाकिस्तान से बाहर होगी, तो उसी के लिए फिर इनको लेके भी गए थे सर्जरी के लिए। सर्जरी के बाद एक और मसला आ गया इनका। सर्जरी कहाँ कराई थी? लंदन। अच्छा। लंदन में हुई थी, और वहीं इसी में हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में। अच्छा। एक सर्जरी वहाँ हुई थी और एक दूसरे उनका हॉस्पिटल है उसमें हुई थी। खैर तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके दौरान ना ये दुनिया से बाहर हो गए, इनके नब्ज़ रुक गई थी, और काफ़ी देर के बाद वो रिस्टोर हुई, तो बार फिर वो सर्जरी तो हो गई, लेकिन उससे एक नुकसान ये हुआ इनका कि वो इनकी आई साइड भी चली गई, और ये जैसे पैरालाइज हो जाते हैं वैसे भी हो गए थे, बिल्कुल पड़े रहते थे, ना हाथ पाँव हिला सकते थे, ना बात कर सकते थे, ना देख सकते थे। तो उस ज़माने में हुआ ये कि मैं वहाँ हॉस्पिटल से बाहर निकला किसी काम से, तो वहाँ मेरी निगाह, अच्छा डॉक्टर्स कहते थे इनसे कि भाई बेटा ज़रा हाथ पांव हिलाओ, थोड़ा सा यूँ करो, थोड़ा ये करो, ये बच्चा था, बहुत कम उम्र थी इसकी, तो ये उस वक्त यही करता था कि थोड़ी देर करता था छोड़ देता था। तो बाहर जो मैं निकला हॉस्पिटल से, पता नहीं क्या लेने गया था, तो वहाँ पर एक टॉयज की एक शॉप नज़र आई मुझे, तो उसकी मैंने देखा उसके शोकेस में, तो उसमें एक छोटा सा कीबोर्ड नज़र आया मुझे, ये कासियो का था। तो मेरे दिमाग में ये आई कि यार अगर ये मैं ले जाऊँ उसको, तो ये यूँ तो सुनता नहीं है डॉक्टर की, लेकिन उसको बजाने के चक्कर में ये अपनी उंगलियाँ हिलाएगा और तो ये, और इसकी दिल भी बहलेगा। तो भाई वो मैंने ले लिया, वो ले कर इनको दिया, ये अपने बेड पे ही रख के साइड में ये उससे खेलता रहता था, और कुछ ही अरसे के अंदर ना ये समझ में आने लगा कि बजा क्या रहा है, यानी इतने जल्दी इसने पिक किया। और खैर वो वहाँ से सर्जरी के बाद फिर हम लोग वापस आ गए, और वापस आने के बाद फिर इसको उससे बेहतर दिलवाया गया, तो
तो उस पर और हाथ इसका साफ़ हो गया, और होते 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 अब ये जस्ट लाइक प्रोफेशनल, हालांकि इसने किसी से सीखा नहीं है। बड़ी बात है। अब यही चीज़ जो है वो डॉक्टर शाइस्ता को पता चली कि है एक बच्चा जो ऐसा कर लेता है, जबकि वो इतना कमज़ोर भी है, हाथ पांव उसके काबू में भी नहीं है। तो वो घर पे तशरीफ़ लाई थी और आके इसका पूरा इंटरव्यू किया था और फिर टेलीकास्ट किया उन्होंने, बड़ा अप्रिशिएट किया। तो ये कहानी है इनकी। अब माशाल्लाह ये अच्छा खासा बजा रहे हैं, अच्छा खासा कर रहे हैं। काशिफ, जीवी जीवी पाकिस्तान सुनाओगे, दिल दिल पाकिस्तान कुछ भी सुना देंगे, जो आप कहेंगे दोनों सुनाएं। Thank you.
यू, थैंक यू बेटा। एक गजल के ना सिर्फ दो शेर उसके, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। हाँ बस सिर्फ दो शेर सुना के, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रिकॉर्डिंग चल रही है, सुनो। गाएगा भी ये? अच्छा लाओ बटन ला लो, पता लग गया, लग गया। क्या रिकॉर्डिंग तो नहीं चल रही ना? ऑन है सब, ऑन है। जिसको छ
छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। जो मुस्कुरा रही हो, चलो बेटा थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया और तुमने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा। अल्लाह तुमको खुश रखे, अल्लाह मियाँ तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारे वालदैन को दिखाए।